नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड रिकैप मतलब फ्लैशबैक के बॉलीवुड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे दो लाजवाब एक्टर संजीव कुमार हरी भाई, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आज भी, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग होती थी वो एक्टिंग नहीं होती थी, बिल्कुल नेचुरल लगते थे वो। हर तरह के रोल इतने बेहतरीन अभिनेता शायद मैंने अपने लाइफ में किसी को इतनी बेहतरीन नेचुरल एक्टिंग करते हुए नहीं देखा है। चाहे दोस्तों कोशिश फिल्म देखिए जहाँ पे वो गूंगे बने थे, और दोस्तों जहाँ नया दिन नई रात, नौ दिन नौ रात या ऐसा कुछ नाम था, उसमें उन्होंने नौतरे की भूमिका अभिनीत की थी। तो दोस्तों ऐसे लाजवाब एक्टर संजीव कुमार, जिनकी लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा एक दुखों से परिपूर्ण थी, मतलब वो एक उनके बारे में कहा जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा जो उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, शॉटगन जो सभी को खामोश करते रहते हैं, वो बैरम फिल्म में उनके साथ आए थे, कातिल लास्ट फिल्म थी शायद संजीव कुमार की, जिनके जिनमें शत्रुघ्न सिन्हा भी साथ थे। तो उन्होंने दोस्तों अभी बताया है संजीव कुमार सर के बारे में कि किस प्रकार के वो एक्टर थे। उन्होंने कहा कि इतने बेहतरीन एक्टर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, क्योंकि वो एक्टर थे ही नहीं, वो इतने लाजवाब थे कि कभी स्क्रीन पर लगता नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और क्या लाजवाब उनके एक्सप्रेशन हुआ करते थे, क्या उनकी एक्टिंग हुआ करती थी। शत्रुघ्न सिन्हा साहब तो उनके कायल, और वो कहते हैं मुझे गर्व है कि मैंने उनके साथ काम किया, कई फिल्मों में उन्होंने उनके साथ काम किया, बहरम है, कातिल है, इसके अलावा भी उन्होंने और कई फिल्मों के बारे में बताया, लेकिन मुझे पूरा याद नहीं है। लेकिन दोस्तों संजीव कुमार सर ने बहुत ही मतलब एक से बढ़कर एक यादगार भूमिका की है। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी शोले में आप ठाकुर के रोल में देख लीजिए, चाहे दोस्तों त्रिशूल फिल्म में मिस्टर आर के गुप्ता अमिताभ बच्चन के पिता थे, तो और भी कई फिल्मों का नाम लिया जा सकता है जहाँ संजीव कुमार सर ने एक से बढ़कर एक मतलब अभिनय के अपने आयाम दिखाए हैं। क्या नाम लूँ मैं दोस्तों उनकी, तो हर फिल्म लाजवाब होती है और हर फिल्म में उनकी लाजवाब एक्टिंग होती थी। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने अब ये खुलासा किया दोस्तों कि संजीव कुमार रियली एक बहुत ही, उनकी जो डेथ है वो हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, उनका कहना उनका दिल टूट गया था, उनका दिल टूट गया था। एक्चुअली वो जिस लड़की से शादी करना चाहते थे, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन शायद उनका किसी के साथ अफेयर था, और जिससे शादी करना चाहते थे उसके लिए उनके घर वाले एग्री नहीं थे। और संजीव कुमार इतने मतलब पारंपरिक और इतने मतलब अपनी संस्कृति संस्कृति का मान रखने वाले, अपने माता पिता का कहने कहना मानने वाले थे, कि उन्होंने कहा कि शादी करूंगा तो अपने माँ की पसंद की लड़की से ही या अपने परिवार की पसंद की लड़की से ही करूँगा। तो इसलिए वो कभी भी खुलकर ये बोल नहीं पाए कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, जिस लड़की से वो शादी करना चाहते थे, जिस हीरोइन से वो शादी करना चाहते थे, उसके बारे में उनके घर वाले खिलाफ थे, वो मानना नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ शत्रुघ्न सिन्हा सर का कहना है। तो उनका दिल टूट गया था, मतलब काफ़ी चेहरे पे मुस्कान रखते थे लेकिन दिल में काफ़ी उनके एक दर्द था, एक दुख था, और इसी कारण से उनकी इतनी कम अवस्था में मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार के खुलासे मतलब शत्रुघ्न सिन्हा सर ने किया, तो लाजवाब एक्टर और संजीव कुमार हरी भाई, जिन्हें हरी भाई के नाम से भी जाना जाता है, तो मैं तो दोस्तों उनको आज भी याद करता हूँ, उनकी एक्टिंग का आज भी कायल, जब उनकी कोई फिल्म दिखाई दे जाती है, सीता और गीता भी मैं जरूर याद करूंगा, जहाँ उन्होंने कॉमेडी का अंदाज भी काफ़ी बेहतरीन प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों ऐसे कलाकार को मैं अभी भी बहुत ही नमकों से याद करता हूँ, बहुत बेहतरीन एक्टर थे। शत्रुघ्न सिन्हा सर का कहना है बिल्कुल सही है कि ऐसे एक्टर कभी कभी नहीं एक ही बार होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर। आप संजीव कुमार सर के बारे में क्या सोचते बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।